हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे ड्रेसिंग और बैंडेजिंग पार्ट टू के बारे में, और इस क्लास में हम रोलर बैंडेज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर हिंदी में है। यदि आप इंग्लिश में इसी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, आपको वहाँ से लिंक मिलेगा और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। रोलर बैंडेज क्या है? एक रोलर बैंडेज या पट्टी गौज, कॉटन या किसी अन्य सामग्री से रोल में तैयार की गई एक पट्टी है। इसके दो भाग होते हैं, जो रोल्ड पार्ट है उसे हेड कहते हैं और जो अनरोल्ड पार्ट है जहां से ये शुरू होती है उसे टेल कहते हैं। रोलर बैंडेज के लिए क्या मटेरियल यूज होता है? रोलर बैंडेज कॉटन का हो सकता है, कैलिको का, फ्लैनल, डोमेटी, गौज, मुस्लिन और क्रेप बैंडेज, इन मटेरियल से रोलर बैंडेज बनी होती है। अब रोलर बैंडेज के अलग अलग साइज आते हैं, तो हमें साइज सेलेक्ट करना होता है कि कहां पर हम बैंडेज बांध रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम फिंगर पे बैंडेज बांध रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर या 1 इंच की बैंडेज सफिशियंट रहेगी। हाथ पर बांधने के लिए 2 इंच की बैंडेज, आर्म पर और आगे ऊपर जाएंगे तो 2 से 2.5, पैर में कहीं भी बांधेंगे तो 3-3.5 इंच की बैंडेज, ट्रंक पर एब्डोमन पर बांधना है तो 4 से 6 इंच की बैंडेज हम यूज करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग, या हम ये कह सकते हैं कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो हमें याद रखने चाहिए बैंडेज करते समय, और ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति सहज होना चाहिए, उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। चोट के किनारे की ओर काम करें, यानी जिस साइड में चोट है उसी साइड आपको खड़े होना है ताकि उसके शरीर पर झुकना ना पड़े। फॉर एग्जांपल, यदि इस हाथ में चोट है तो आपको इधर खड़े होना है, इस हाथ में चोट है तो आपको इधर खड़े होना है, ये ध्यान रखना है। शरीर के घायल हिस्से को उसी स्थिति में रखें जिस स्थिति में उसे पट्टी लगाने के बाद रखा जाएगा, ठीक है, बैंडेजिंग के बाद रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप हाथ में बैंडेज बांध रहे हैं और इसको बाद में ऐसे हमें फिक्स करना है तो आपको पट्टी बांधते समय पहले से ही उसको इसी फोल्ड में रखना है और पट्टी बांधना शुरू करना है। सही आकार की पट्टी का उपयोग करें, जैसे अभी मैंने बताया कि साइज आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना है, क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग चौड़ाई की बैंडेज की जरूरत पड़ती है। एक पार्ट को या अंग को पट्टी करते समय अंगुलियों या पैर की जो अंगुलियां हैं उन्हें ढकने से बचें, यानी टिप जो है वो ओपन रहनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप ब्लड सर्कुलेशन चेक कर सकते हैं, यदि ये पिंक है या ब्लूइश हो गई है, ब्लूइश है मतलब सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो इसको आपको खुला रखना है हमेशा, जब तक कि चोट बिल्कुल टिप पे ना हो, वो एक अलग ऑप्शन हो जाएगा। पट्टी को अंग के नीचे से ऊपर की ओर बांधना चाहिए जब भी आप शुरू करें। अगर मान लो लंबी दूरी पर आपको बांधना है तो आप नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर प्रोसीड करेंगे। बैंडेजिंग के समय हमें पिछले मोड़ को 2/3 कवर करना चाहिए और 1/3 आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे मान लो ऐसे हम बैंडेज बांध रहे हैं तो जो पहला कवर गया है उसको 1/3 आगे और 2/3 पीछे वाले को कवर करेंगे, तो 1/3 1/3 1/3 इस प्रकार साइज आगे हम इंक्रीज करेंगे। जो भी हम टर्न ले रहे हैं, जो घुमाव ले रहे हैं, उसको एक दूसरे के समांतर रखना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए। पट्टी ना तो बहुत ज्यादा ढीली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। बैंडेजिंग करते समय हमें कभी भी गांठ जो बांधनी है वो घाव के ऊपर नहीं बांधनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि घाव यहाँ है तो गांठ यहाँ नहीं आनी चाहिए, पीछे आनी चाहिए, या पिन भी जो है वो पीछे आनी चाहिए, यहाँ घाव है तो गांठ इधर आनी चाहिए, तो घाव के ऊपर कभी भी गांठ नहीं आनी। बैंडेज हटाते समय भी आपको ध्यान रखना है कि बैंडेज जब आप हटाएं तो एक हाथ में बैंडेज का लूज पार्ट पकड़ के रखें और जैसे जैसे उसको हटाते जा रहे हैं वो लूज पार्ट दूसरे हाथ में कलेक्ट करते जाएं, उस वो लंबा हो के फर्श पे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमें कभी भी गिल्ली पट्टी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि गिल्ली पट्टी बाद में सूखेगी और वो कस जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाएगा। अब है कि मेथड्स ऑफ बैंडेजिंग, क्या क्या तरीके हैं बैंडेज बांधने के। इसमें सबसे पहले सर्कुलर बैंडेज, सर्कुलर बैंडेज का हम यूज बहुत ही छोटा कट या घाव हो तो करते हैं। जैसे मान लो छोटा सा एक घाव है इतना सा, तो हम सर्कुलर बैंडेज लगाएंगे इस प्रकार, ठीक है, 2-3 टर्न लगा देंगे।
बट इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले एंकर लगाना जरूरी है। एंकर पट्टी में हम कैसे लगाते हैं, जैसे थोड़ा सा यहाँ तिरछा रखेंगे, फिर एक सर्कुलर टर्न लेंगे, फिर ये बचे हुए पार्ट को ऊपर इस पे घुमा देंगे और फिर सेकेंड टर्न इसके ऊपर ले लेंगे। तो इतना टर्न से हमारा एंकर हो जाएगा और इसके बाद दो तीन टर्न लेके सर्कुलर ही इस पट्टी को हम कंप्लीट करेंगे। अब स्पाइरल बैंडेज, स्पाइरल बैंडेज का उपयोग जैसे आर्म के लिए यूज किया जाता है, फोर आर्म के लिए स्पेशली, जिसमें सर्कुलर ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और लंबा घाव है, तो हम यहां से लेके यहां तक इसमें बैंडेज बांधेंगे। तो शुरुआत तो नीचे से ही करेंगे, पहले एंकर लगाएंगे और फिर सर्कुलर टर्न्स लेते हुए धीरे धीरे वन थर्ड आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में फिर से एक सर्कुलर जो टर्न लेंगे और उसको दो सर्कुलर टर्न लेंगे और लास्ट में उसमें पिन लगा देंगे या प्लास्टर लगा देंगे। तो इस प्रकार की हम ये बैंडेज बांध सकते हैं। जैसे यहां से हमने शुरू किया एंकर बना के, ये सेकेंड टर्न, धीरे धीरे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और जब गाव का लेयर जो ड्रेसिंग कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में एक दो सर्कुलर टर्न लेके और उसको पिन अप कर देंगे। रिवर्स स्पाइरल बैंडेज, रिवर्स स्पाइरल बैंडेज का उपयोग वैसे ही लंबे घाव के लिए होता है, बट यहां पर शरीर का वो हिस्सा होता है जहां पर जो मोटाई है शरीर की वो तेजी से इंक्रीज हो रही होती है, जैसे पैर। ठीक है, इसमें हम अगेन वही सिस्टम रखेंगे, शुरुआत एंकर लगा के करेंगे, फिर रिवर्स स्पाइरल टर्न लेते जाएंगे और अंत में दो सर्कुलर टर्न लेके उसको पिन अप कर देंगे। जैसा कि यहां हमने दिखाया है, यहां एंकर लगाया, फिर एक सर्कुलर टर्न, फिर यहां आके यहां से रिवर्स स्पाइरल, इसको ऐसे रिवर्स करेंगे और हर टर्न पे इसी जगह पे हम रिवर्स करेंगे और लास्ट में दो सर्कुलर टर्न लेकर इसको यहां पर पिन अप कर देंगे। फिगर ऑफ एट बैंडेज, यह बैंडेज टखने, कोहनी, घुटने, हाथ या पैर जैसे जोड़ों के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में पट्टी को एंकर करने के बाद फिगर ऑफ एट टर्न लगाया जाता है। फिगर ऑफ एट का जो एट है वो यहां से टर्न होगा। पूरी प्रक्रिया हम कैसे करेंगे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, फिगर ऑफ एट बैंडेज यहां से नीचे से शुरू करेंगे, फिर कोहनी के आगे से ये एट बनेगा इस प्रकार, और लास्ट में ऊपर टर्न करके इसको बंद कर देंगे सर्कुलर टर्न लेके। जैसे यहाँ एंकल में भी हम ऐसे बांध रहे हैं, ये फिगर ऑफ एट बन रहा है और अंत में ऐसे बढ़ते हुए यहां पर सर्कुलर टर्न लेके इसको पिनअप या प्लास्टर कर देंगे। नेक्स्ट है स्पाइका बैंडेज। इस विधि का उपयोग उन जोड़ों के लिए किया जाता है जहां एक भाग दूसरे भाग के साथ कोण बनाता है, जैसे ये एक एंगल बन रहा है, इस तरह हम स्पाइका लगाते हैं। हिप स्पाइका, शोल्डर स्पाइका और अंगूठे की स्पाइका इसका एग्जाम्पल है। अंगूठे की स्पाइका लगाने के लिए हम कलाई से पट्टी बांधना शुरू करते हैं यहाँ से, और एंकर लगाने के बाद एक सर्कुलर टर्न आएगा और फिर अंगूठे की तरफ बढ़ेगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर अंगूठे की तरफ, फिर वापस नीचे, और तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरा जो पार्ट है वो कवर ना हो जाए। जैसे यहाँ से हमने शुरू किया, इस प्रकार टर्न होके वापस आया, फिर नीचे जा रहा है, फिर ये टर्न होते होते नीचे कंप्लीट होके लास्ट में यहां पर दो सर्कुलर टर्न लेके इसको पिन अप कर देंगे। रिकरेंट बैंडेज, रिकरेंट बैंडेज अंगुली, अंगूठा या कोई स्टंप होता है, कटा हुआ पार्ट होता है बॉडी का, तो उसका लास्ट पार्ट को कवर करने के लिए हम पूरा कवर करने के लिए रिकरेंट बैंडेजिंग करते हैं। इस प्रक्रिया में अगेन शुरू में एंकरिंग के साथ शुरू करते हैं, फिर टिप को कवर करने के लिए रिकरेंट बैंडेज करते हैं और लास्ट में सर्कुलर, स्पाइरल या रिवर्स स्पाइरल प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए बैंडेज को बांधते हैं। जैसे यहां पर हमने सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे एंकर लगा के, क्योंकि ये स्टंप है, फिर नीचे की ओर आएंगे और टिप को कवर करने के लिए इस प्रकार के रिकरेंट टर्न लेंगे और फिर वापस इसको कवर करेंगे। रिवर्स स्पाइरल से किया हुआ है क्योंकि ये पैर है, और लास्ट में दो सर्कुलर टर्न यहां पर लेकर इसको बैंडेज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कैपलाइन बैंडेज। कैपलाइन या कैपलिन बैंडेज स्कैल्प के लिए होती है, सिर पर बैंडेज बांधने के लिए। इस प्रकार की बैंडेजिंग में हमें दो रोलर पट्टियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले दोनों पट्टियों की टेल को आपस में बांधते हैं और फोरहेड से यहां से हम शुरू करेंगे बैंडेज को पूरा करने के लिए। दो प्रकार के टर्न लेते हैं, एक सर्कुलर
और एक फ्रंट एंड बैक। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये दोनों बैंडेज पीछे गई हैं। यहाँ पर एक बैंडेज इसके नीचे से आके ऊपर, अब ये वाली टर्न जो बैंडेज है ये बैक एंड फ्रंट चलेगी, और जो इधर वाली टर्न है वो सर्कुलर टर्न करती रहेगी। इस प्रकार फिर आगे से भी ये वापस पीछे जाएगी। इस प्रकार ये जब पूरी स्कैल्प कवर हो जाएगी तो लास्ट में फ्रंट में आकर फोरहेड पर हम नोट लगा देंगे। नेक्स्ट है आई बैंडेज। आई बैंडेज का उपयोग हम आंखों को कवर करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इस आंख में प्रॉब्लम है, इसको कवर करना है, तो यहाँ ड्रेसिंग लगाएंगे और जो बैंडेज की टेल है वो हम इस आंख के ऊपर से यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा एक सर्कुलर टर्न लेंगे। दूसरे टर्न में ये यहाँ कान के नीचे से आएगी और आंख को कवर करते हुए ऊपर जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरा टर्न, अब ये धीरे धीरे टर्न ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे और इधर से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे और लास्ट में एक सर्कुलर टर्न आएगा और फोरहेड के ऊपर इसको पिनअप कर देंगे। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट टर्न इधर सर्कुलर जा रहा है, दूसरा टर्न कान के नीचे से आंख को कवर करता हुआ ऊपर की ओर जाएगा और इस प्रकार ये लास्ट जो टर्न है वो फोरहेड पे आकर पिनअप कर देंगे। उसके बाद है ईयर बैंडेज। ईयर बैंडेज हम कान को कवर करने के लिए करेंगे। इस प्रक्रिया में हम पट्टी की टेल कहाँ रखेंगे, ये हम रखेंगे कि जो हमारा प्रभावित कान है, जैसे ये कान पे पट्टी बांधनी है तो इस आंख के ऊपर यहाँ से शुरू करेंगे, इस कान पे पट्टी बांधनी है तो इस आंख के ऊपर यहाँ से शुरू करेंगे और फिर पूरा सर्कुलर एक टर्न लेंगे और दूसरा टर्न कान के नीचे से लाएंगे, बट या इस समय आंख कवर नहीं करेंगे, कान के नीचे से लाकर यहाँ से जाएगा, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये फर्स्ट सर्कुलर टर्न, दूसरा कान के नीचे से यहाँ से आता हुआ, फिर धीरे धीरे ये कान को कवर करते हुए टर्न ऊपर की ओर बढ़ेंगे और यहाँ से नीचे की ओर बढ़ेंगे। जैसे ये सेकंड टर्न ऊपर गया, ये सबसे ऊपर है, फिर थर्ड टर्न इसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ा और यहाँ नीचे आया, ठीक है, और लास्ट में ये सर्कुलर टर्न आ जाएगा और यहाँ पर इसको पिनअप कर देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि पूरा जो ड्रेसिंग और बैंडेजिंग चैप्टर है वो हमने दो क्लासेज में कवर किया हुआ है। फर्स्ट क्लास में हमने ट्रायंगुलर बैंडेज का यूज करना सिखाया है और ड्रेसिंग कैसे करनी है, ड्रेसिंग के प्रिंसिपल्स बताए हैं, और इस क्लास में हमने रोलर बैंडेज और बैंडेजिंग के प्रिंसिपल बताए। आप फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए ब्लॉगर का यूज कर सकते हैं, mynursingstudentsblogspot.com, और मुझे फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन